और वो भारतीय फैंस के लिए दुश्मन बन गई इस कंगारू गेंदबाज की दो गेंद। इन दो गेंदों ने तोड़ा टीम इंडिया का WTC फाइनल जीतने का सपना। मात्र 34 मिनट के अंदर ही टीम इंडिया ने गवा दिया WTC का ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीत के लिए 444 रनों की जरूरत थी, लेकिन पांचवें दिन टीम इंडिया ने शुरुआती 24 मिनट में ही इस मैच को गंवा दिया। लंदन के द ओवल मैदान पर यह मैच खेला जा रहा था। मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज को न्योता मिला। टीम ने अपनी शुरुआती पारी में 469 रन बनाए थे, जिसके बाद भारत की पहली पारी 296 रन पर खत्म हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 270 रन पर घोषित कर दी थी। टीम इंडिया ने 444 रन के पीछा करते हुए चौथे दिन तक 40 ओवर के खेल के बाद 3 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। अंतिम दिन उसे 280 रन की दरकार थी और इसी बीच पांचवें दिन रविवार को टीम इंडिया को शुरुआती 34 मिनट में ही दो बड़े झटके लग गए। बोलैंड की इस ओवर में दो बड़े झटकों के साथ टीम इंडिया का हौसला टूट गया। उन्होंने तीसरी गेंद पर विराट कोहली को स्टीवन स्मिथ के हाथों कैच करवाया, वो 49 रन पर आउट हो गए। इसके बाद पांचवी गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलएस कैरी ने कैच किया, वो 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया। इस मैच को जीतने के लिए विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बोलैंड ने उन्हें शतक पूरा नहीं करने दिया। उन्हें लगातार दूसरी बार स्मिथ ने कैच किया और मात्र 34 मिनट के अंदर ही टीम इंडिया ने अपनी WTC की ट्रॉफी गंवा दी। भारत को कुछ हद तक बचाने वाले अजिंक्य रहाणे ने इस बार भी अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उनको आउट कर हार पर मोहर लगा दिया। इसके बाद तो सिर्फ औपचारिकता बाकी थी, जिसमें ऑफ स्पिनर नथन लायन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लायन ने आखिरी 4 में से 3 विकेट लिए और इस तरह से पांचवें दिन के आखिरी सेशन में भारत ने 7 विकेट गंवाते हुए लगातार दूसरी बार खिताब गंवा दिया। कई साल से भारतीय टीम ने एक खिताब नहीं जीता है। टीम इंडिया 9वीं बार ICC टूर्नामेंट में नाकाम रही, जिसमें से 8 बार उसे सेमीफाइनल या फाइनल में हार मिली है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जो तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। टीम ने 9वां ICC खिताब अपने नाम किया है। तो आपका इस वीडियो पे क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।